हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टिस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आप लोगों को और क्वेश्चन भी लगवाया था उस पर। मैंने कहा था उस टाइम कि हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम मेथड, तो आइए चलते हैं एलसीएम मेथड शुरू करते हैं। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ वो जाके पिछला लेक्चर देखें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। डिफरेंस मेथड में हमने एलसीएम लिया था, जब डिफरेंस निकालते हैं इसमें क्या करेंगे, हर को समान करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे हर का। चलिए एक एग्जाम्पल से इस मेथड को समझते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। मान लो 3/2, 4/7, 5/4, 12/7 में लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट सॉरी सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट। ठीक, सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है और सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। अगर हम इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। एलसीएम मेथड में क्या करना रहता है, हर को समान बनाना रहता है। तो जो हर दे रखा है उसका एलसीएम ले लो आप, है ना। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो किसका लेंगे, 2, 7, 4 और 7 का। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, और 4 और 7 का कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई यानी 28 हो जाएगा एलसीएम। ये बात समझ में आ रही। एलसीएम जब 28 आ जाता है तो इसका मतलब अब हमारा हर समान हो जाएगा सब में। 2 का भाग देंगे 28 में कितनी बार जाएगा, पहले तो हर समान हो गया 28, 2 का भाग दिया 28 में कितनी बार गया, 14, 14 गुणे ऊपर कितना 3 मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही। नीचे इसी तरह से अगले वाले में हर तो समान हो गया एलसीएम लेने के बाद 28, 7 से 28 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, और 4 ऊपर दे रखा है यानी 4 गुणे 4। ठीक, अगले वाले में देखिए यहाँ भी 28 हो जाएगा, 4 का भाग करेंगे 28 में 7 बार, और 7 गुणे 5। अगले वाले में इसका भी हर 28 हो चुका है, 7 से भाग देंगे 28 में 4 बार जाएगा, और 4 गुणे 12 यानी 12 गुणे 4। अब ये जो फ्रैक्शन हो गया है ये कन्वर्ट हो चुका है कितने में, देखिए 42/28, 16/28 और ये 35/28, ये 48/28। अब हर समान है तो आप हर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या या कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। देखिए जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। 16, 42, 35, 48 में छोटा कौन हो गया, 16/28 यानी स्मॉलेस्ट कौन आ गया, 16/28। यही होगा क्या, सबसे बड़ा कौन है, 42 और 48 यानी 48 सबसे बड़ा, तो इस लार्जेस्ट क्या आ गया, 48/28। यही आंसर हो गया। बात समझ में आ रही। तो ये तरीका है एलसीएम मेथड का। वैसे अगर इस क्वेश्चन को आप डिफरेंस मेथड से लगाओ और आसानी से हो जाएगा, लेकिन तो एलसीएम मेथड है कहीं कहीं यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा मेथड होता है डिफरेंस मेथड। क्वेश्चन के हिसाब से होता है, आप क्वेश्चन कैसा है, अब कहीं अगर आप फ्रैक्शन में हर में ज़्यादा नंबर बड़े हों, 112 हो, 105 हो, इस तरह बड़े बड़े नंबर हों, तब आप ऐसा करेंगे एलसीएम लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसमें डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं, उसमें आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन से और समझा देता हूँ हम लोगों को, ताकि थोड़ा सा बात क्लियर हो जाए। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्जाम्पल 3/5, 12/10, 7/3 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आ गया, अगर सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या दे रखा है, 3/5, 12/10, 7/3 ये दे रखा है। तो हम एलसीएम मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं, 5, 10 और 3 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 5,
दस और तीन का क्या होगा एलसीएम? पांच का, पांच और दस का एलसीएम तो दस ही हो जाएगा, और तीन दस गुणे तीन यानी एलसीएम क्या हो गया? तीस। ये बात समझ में आ रही सभी को? अब एलसीएम तीस हो गया तो हर समान हो जाएगा। तीन पांच का जब तीस में डिवाइड करेंगे छह बार जाएगा, छह का तीन में मल्टीप्लाई करेंगे छात्री का अठारह। इस तरह से यह भी हर तीस हो गया। दस का तीस में डिवाइड करेंगे तीन होगा, और तीन का बारह से बारतियां छत्तीस। इस तरह से यह भी हर तीस हो गया। तीन का दस में डिवाइड करेंगे दस आया, दस का सात में मल्टीप्लाई करेंगे जब दस सते सत्तर। अब आप खुद ही बताओ हर बराबर हो गया क्या? अब आप स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं, जिसका अंक सबसे छोटा अठारह है तो इसका मतलब यही होगा अट्ठारह बटे तीस, यही वाली सबसे छोटी होगी। इसका मतलब आंसर क्या ले सकते हो आप चाहो तो इसको तीन बटे पाँच, क्योंकि मेन फ्रैक्शन तो हमारा तीन बटे पाँच है, तो सबसे छोटी यही होगी। ठीक, इसी तरीके से ये वाला देखो ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न, तो जिसका अंश बड़ा सत्तर बटे तीस, यानी ये किसका था? सात बटे तीन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सात बटे तीन। तो ये था एलसीएम मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एलसीएम मेथड। डिफरेंस मेथड भी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया है सिंपल फ्रैक्शन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है उसको डिटेल से पढ़ते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा? दशमलव भिन्न। इसके अंदर पढ़ेंगे टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब, जो संख्याएं फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट में हो, जैसे पहले इसी को समझ लो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 0.3, 0.4, 0.57, इस तरह से संख्याएं पॉइंट में होती हैं उसे डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है कैटेगराइज करके हम लोग जानते हैं उसके, रिकरिंग डेसिमल। क्या होता है रिकरिंग डेसिमल? यानी कि आवर्त दशमलव। कौन सा दशमलव? आवर्त दशमलव। अब इसका मतलब क्या, आवर्त दशमलव का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूं एक बटे तीन को आप जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? दशमलव तीन 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 संख्याएं बार बार आती रहेंगी। इसी तरीके से जब आप दो बटे तीन को डिवाइड करोगे तो 0.666 ये संख्याएं बार बार आती रहेंगी। तो ये संख्याएं क्या हैं? बार बार जो संख्याएं रिपीट कर रही हैं वही, उसी को इसीलिए रिकरिंग बोला गया, रिकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव, संख्याएं का बार बार रिपीट होना। जैसे हम इसको क्या लिखते हैं, जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। बात क्लियर हो रही है? इस तरह से हम 0.3 बार लगा दिया, और 0.66 हो रहा था 0.6 के ऊपर बार लगा दिया। बात समझ में आ रही? अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है रिकरिंग डेसिमल में, आवर्त दशमलव में भी दो कैटेगरी होती है। एक शुद्ध आवर्त दशमलव होता है, एक मिक्स यानी मिश्रित आवर्त दशमलव होता है, यानी प्योर रिकरिंग डेसिमल, एक मिक्स रिकरिंग डेसिमल होता है। तो पहले आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये मुझे बताइए आप लोग, रिकरिंग डेसिमल आपको समझ में आया कि नहीं? रिकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है यानी वो संख्या दशमलव में है, दूसरी चीज संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जब भी बार बार संख्या रिपीट होगी तो क्या कहलाएगी? रिकरिंग डेसिमल कहलाएगी, यानी कि आवर्त दशमलव। बात क्लियर हो रही है? अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर प्योर आवर्त यानी प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग। ठीक है दोस्तों, रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्त दशमलव, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, प्योर रिकरिंग डेसिमल यानी कि शुद्ध आवर्त दशमलव। क्या हो जाएगा? शुद्ध आवर्त दशमलव। अगला क्या हो जाएगा? मिक्स रिकरिंग डेसिमल। अभी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को ये है क्या, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि मिश्रित आवर्त दशमलव,
बात क्लियर हो रही? अब ये है क्या, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पे और रिकरिंग का मतलब यह हो गया, जो भी संख्या शुरू से दशमलव के बाद से ही रिपीटिंग पे चालू हो जाए वो प्योर में कहलाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था आप लोगों को, 1/3 वाला 0.333 बार बार आता है, तो हम इसको पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वहीं से रिपीटिंग स्टार्ट हो गई है और लगातार रिपीटिंग चल रही है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी दूसरा एग्जाम्पल समझाया था 2/3, तो इसमें क्या था 0.66 इस तरह से बार बार रिपीट हो रही थी, तो 0.6 के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो बात क्लियर हो रही? यानी ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद जो भी नंबर आए वो रिपीट हो, ऐसा ना हो कि कोई एक नंबर के बाद रिपीट होना चालू करे। बात समझ में आ रही? डायरेक्ट दशमलव के बाद वो संख्या रिपीटिंग चालू होगी, तो इसका मतलब प्योर में है, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो देखें 0.353535 इस तरह से रिपीट हो रही, यानी दो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हमने क्या किया, 0.35 के ऊपर क्या कर दिया, बार लगा दिया। इस तरह से और कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लो तीन संख्या रिपीट हो रही है, जैसे मान लो 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7 इस तरह से संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.237 के ऊपर बार लगा सकते हैं। यानी इससे क्या पता चला गुरु जी, इससे ये पता चला दशमलव के बाद जो भी नंबर आएगा वो सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट करेंगे, चाहे वो एक नंबर हो या दो नंबर हो या तीन नंबर, यानी तीन डिजिट हो, दो डिजिट हो या एक डिजिट हो, सारे रिपीट करेंगे, तो प्योर में कहलाएंगे, यानी प्योर रिकरिंग डेसिमल। बात क्लियर हो रही? इसी तरह इसके अपोजिट, अब इसके अपोजिट क्या होगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर आप लोगों को बताऊं, 0.2313131 इस तरह से अगर संख्या रिपीट हो रही है तो इसको क्या लिखूंगा, 0.231 के ऊपर बार लगा दूंगा। यानी ये इम्प्योर कब हुई, इम्प्योर का मतलब मिश्रित कब हुई, मिक्स, क्योंकि इसमें देखिए दो नंबर, दो डिजिट है वो रिपीट तो कर रही हैं, लेकिन एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही थी शुरू की, तो ये मिक्स में कहलाएंगी। यहाँ प्योर है, सारे दशमलव के बाद जितने नंबर हैं, जितने डिजिट हैं, सारे रिपीट कर रहे थे, है ना। जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैं और बताऊँ आप लोगों को, 0.357557557 इस तरह से अगर नंबर रिपीट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 0.357 के ऊपर बार लगा देंगे। बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, आ रहा समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 0.32474747 तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.00 के बाद दो डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर रही, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, 4747 दो डिजिट बार बार रिपीट कर रही, तो मैं इसको अगर बार में लिखूंगा तो 0.32 के बाद 4-7 के ऊपर बार लगा दूंगा, क्योंकि वही रिपीट कर रही। बात क्लियर हो रही? तो इस तरह से हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया कि क्या है प्योर रिकरिंग डेसिमल और क्या है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप, कमेंट करके बताइए आप लोग समझ में आ रहा या नहीं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल को, जो प्योर रिकरिंग डेसिमल है उनको डिटेल से पढ़ेंगे, और मिक्स रिकरिंग डेसिमल उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा बार नंबर, ठीक है। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा बार नंबर, यानी जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसी से रिलेटेड है वो, क्योंकि आपको प्योर इम्प्योर जब तक नहीं पता होगा, यानी प्योर और मिक्स फ्रैक्शन जब तक नहीं पता होगा तब तक आप बार नंबर में क्लियरिटी नहीं ला पाएंगे कैसे उसको फ्रैक्शन में लाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बार नंबर, बार नंबर में सबसे पहला टॉपिक वही होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल, यानी जो प्योर रिकरिंग डेसिमल है उसके बार नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, प्योर रिकरिंग डेसिमल, यानी कि शुद्ध आवर्त दशमलव। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्लियर,
अब मैंने जब पहले ही बता दिया दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो रिपीट करेगी डायरेक्ट, है ना, क्योंकि प्योर की बात चल रही है। तो अगर आप, मैं एग्जांपल लूँ, अगर 0.7 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि बार नंबर है ये, इसको हमें बार हटाना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 7, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट है 7, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे लगा देंगे, यानी एक नंबर के ऊपर लगा था एक डिजिट के ऊपर, तो 1 9 नीचे कर दिया, यानी 7/9। और कोई एग्जांपल बताओ सर, और ले लो, मान लो 0.5 के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/9। 9 क्यों आया, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा था इसलिए 9 नीचे आ गया। और कोई एग्जांपल सर, मान लो 0.3 के ऊपर बार लगा, अभी मैंने बताया था एग्जांपल, तो 1 के ऊपर बार लगा तो 1 9 नीचे, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। बात समझ में आ रही, अभी हम लोगों ने प्रूव किया। इससे क्या पता चला, इससे फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बन रहा है, अगर दशमलव के बाद कोई भी डिजिट पी हो और उसके ऊपर बार लगा है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, जो भी डिजिट पी है उसको लिखो बटे, एक ही डिजिट है पी है, कॉमन सी बात है, तो 1 9 नीचे आ जाएगा, यानी P/9। क्लियर हो रही बात, तो यहाँ से ये फार्मूला निकला, कोई भी संख्या अगर एक डिजिट की है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट P/9 कर देंगे, यानी P/9 कर देंगे, हमारा फ्रैक्शन निकल आएगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल से समझाया, आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद मान लो अगर यही संख्या 1 के बजाय 2, तब क्या होगा गुरु जी, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद उसको समझते हैं। तो और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी उसमें क्या था, एक संख्या के ऊपर था, मान लो अगर 2 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एग्जांपल दे रखा है 0.25 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्योर रिकरिंग डेसिमल हो गया, यानी शुद्ध आवर्त दशमलव, क्योंकि जो भी संख्या है उस पर बार लगा पूरे पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25/ जितने नंबर पर बार लगा है उतना 9 नीचे लिख देंगे, यानी 25/99 हो जाएगा। और कोई एग्जांपल सर, और भी एग्जांपल ले लो, मान लो 0.317 लिखा हो, तीनों के ऊपर बार लगाओ, तब क्या होगा, तो जो भी डिजिट है 317 जो भी डिजिट है उसको लिखिए, और जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे लिख दीजिए, यानी 317/9। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनता है, यहाँ से फार्मूला ये बनता है कि अगर मान लो PQ 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो फार्मूला ये बनेगा, दोनों डिजिट लिखिए और दोनों के नीचे 9 बढ़ा दीजिए, ठीक, 2 डिजिट थी 2 9 नीचे आ गया, दोनों के ऊपर बार लगा था। इसी तरीके से अगर इसको समझा जाए कि 3 डिजिट है, 3 अंक हैं, और तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ, यानी PQR 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ, तो PQR/3 9 नीचे आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली ये कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस भी आप समझ सकते हैं ये चीज़, जितने भी अंक के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे आ जाएगा, बस संख्या ऊपर लिख दीजिए आप उतना 9 नीचे बढ़ा दीजिए, तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात है, तो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है तो समझ में वैसे भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग करते हैं, ये था प्योर रिकरिंग डेसिमल, इसके बाद करते हैं हम लोग मिक्स रिकरिंग डेसिमल, यानी कि मिश्रित आवर्त दशमलव, ठीक है। तो चलिए, मिक्स रिकरिंग डेसिमल, मिक्स रिकरिंग डेसिमल, मिश्रित आवर्त दशमलव, ठीक है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा दशमलव के बाद कोई ना कोई डिजिट होगी जो रिपीट नहीं करेगी, उसके बाद डिजिट जो आएगी वो रिपीट करेगी, यानी ये प्योर नहीं होगी जो रिपीटेशन चालू होगा। जैसे मान लो एग्जांपल मैं अगर लिखूं 0.257 और 5 और 7 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, ठीक है, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो पहले तो पूरी संख्या आप लिखिए,
संख्या क्या दे रखी, 257 लिख दिया। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा उतना 9 नीचे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, क्लियर। जितने पे बार नहीं लगा उतना 0 बढ़ा दीजिए, एक के ऊपर बार नहीं लगा था 1 0 बढ़ा दिया। ऊपर क्या किया, पूरी संख्या लिख दी, माइनस जितने के ऊपर बार नहीं लगा था उसको घटाना है, 2 घटा दीजिए। 257 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 252 बटे 990। ये बात क्लियर हो रही सभी को, क्लियर। आप इसको चाहें तो इसको पेंसिल आउट करके और छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर जितनी संख्या पे बार लगा उतना 9 नीचे आएगा, ये तो कॉन्सेप्ट पहले वाला ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस क्या है पिछले वाले में से, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है सर कि जितनी संख्या पे बार नहीं लगा रहेगा उतना 0 नीचे आएगा, ये बात क्लियर होगी, और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा रहेगा वो घटेगा। दो चीज का डिफरेंस है, एक तो 0 बढ़ रहा है जिस पे बार नहीं लग रहा नीचे, दूसरा वही संख्या जिस पे बार नहीं लगा है वो घट जा रही है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल आप लोग लीजिए ताकि क्लियर हो जाए बात। 0.235 और इस पे तीनों के ऊपर बार नहीं, एक के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, एक के ऊपर मैंने बार लगा दी है। अब क्या करेंगे, इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है सर, देखते हैं। पहला काम तो वही करना है, जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे आएगा, लिख दिया, एक के ऊपर बार लगा 1 9 नीचे आएगा। दूसरा काम, कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, 2, तो इसका मतलब 2 0 नीचे आएगा, ये भी बात क्लियर है। ऊपर क्या करना, ऊपर तो पहले पूरी संख्या लिखिए, पूरी डिजिट 235 लिखिए, माइनस करिए, माइनस में से क्या घटाना है, मैंने बोला था जितनी डिजिट पे बार नहीं लगा वही घटा दीजिए, तो यहाँ 23 के ऊपर बार नहीं लगा तो 23 घटा दिया, क्लियर। कुछ भी टफ नहीं, एकदम सिंपल, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 2 के 2, 212 बटे 900, पास होने जा रही। तो ये है मिक्स रिकरिंग डेसिमल, यानी कि अशुद्ध आवर्त दशमलव के फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं अगर बार लगा हो उसके ऊपर। तो ये था क्वेश्चन और ये था आज का टॉपिक, इस पर कुछ क्वेश्चन कल लगाएंगे। वैसे मैंने इतना समझा दिया तो ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत, है ना, तो इस पर कुछ क्वेश्चन मैं कल लगवा भी दूंगा और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, हमने सिंपल फ्रैक्शन कंप्लीट किया और ये दूसरा टॉपिक था डेसिमल फ्रैक्शन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि 1+1/2+3/2+1/2 इस तरह से फ्रैक्शन कंप्लीट डायरेक्शन नीचे जाता रहता है, फ्रैक्शन बढ़ता रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाए, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हमारा वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए, और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।